जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद दावा किया गया कि यहां पर मौजूद सभी तरह के काले कानूनों को हटा दिया गया। हालांकि अक्सर जब गुन गेहूं पीसता है तो उसके साथ कुछ कुन भी पीसे जाते हैं और ये आरोप लगने लगे कि महाजन, खत्री और हमारे सिख बिरादरी जो है उनके साथ भेदभाव होने लगा। आखिरकार जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बार फिर एक फैसला लिया है और उन बिरादरियों को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ महाजन सभा के प्रधान रोमेश चंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है, और क्या आप लोग सेटिस्फाई हैं या अभी भी आपको लगता है कि कुछ अंश बाकी हैं? आज की डेट के अंदर मैं समझता हूं सरकार ने जो डिसीजन लेने चाहिए वो खुले मन से नहीं लिए, दबे मन से लिए। उन्होंने आज भी कंडीशन जो है, अगर परमिशन दे रहे हैं तो इफ वट लगाने की जरूरत क्या है, क्योंकि हर काम के लिए हमें डिप्टी कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। 10 मरले ज़मीन लेनी है तो परमिशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर महोदय देंगे तो हम ले सकते हैं। जी कहने आपको इंटरप्ट करूंगा कि इससे पहले बताएं कि पहले क्या था और अब ऑर्डर के मुताबिक होगा क्या। सरकार जो है हमेशा ही दुहाई देती रही है, पर राजे महाराजों के समय में भी ये ऑर्डर था जी। लेकिन मैं जनता के दरबार के अंदर आया हूं तो मैं सबको ये आगाह करना चाहता हूं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। जो भी ऑर्डर की ये दुहाई देते हैं, अगर कहीं बना भी तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उस समय जनता ने महाराजों के पास जब अपनी आवाज़ पहुंचाई तो सरकार ने उस आवाज़ को अपना मानते हुए, भाई हमारे से गलती हो गई, उसको विड्रा किया। लेकिन बार बार जो है सरकार के अंदर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स जो है अपनी गलती को ना मानते हुए वही दिखाई देते हैं, भाई इसको जो है राजा महाराजों के समय का ऑर्डर था, ऐसा कोई नहीं है। मैं जनता को बिल्कुल आगाह करना और क्लियर करना चाहता हूं, अगर सरकार ने अपनी गलती मानी है तो खुले मन से माननी चाहिए, हमारे से बातचीत होनी चाहिए, बरादरी से बैठ कर करके अपनी जो लेकुना है उसको निकालना चाहिए। सरकार को ये पता ही नहीं है महाजन कौन है। महाजन एक कौम है, महाजन एक जाति है, जाति विशेष है। सरकार जो समझती है महाजन जो है वो लोगों की ज़मीनें जो है गिरवी रखने वाले लोग हैं, वैसा नहीं है। हमारे जहां महाजन व्यापार के अंदर भी लोग लगे हुए हैं, महाजन सरकारी नौकरियों में भी है, महाजन डॉक्टर भी है, महाजन आर्मी के अंदर भी है, बड़े बड़े ऑफिसर जो है महाजन बने हैं, महाजन जो है मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, महाजन जो है मेंबर असेंबली बने हैं। जब इतना कुछ है तो हमारे ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं, उनका हक छीनने का अधिकार जो है सरकार को किसने दिया? अब जो कंडीशनली है वो क्या ऑर्डर है, उसमें क्या कुछ उसमें बार बार ये कहते हैं भाई आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, 20 कनाल तक जमीन लेनी पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, उसको 40 कनाल तक लेनी पड़े। भाई ऐसा क्यों है, सारे देश के अंदर एक कानून है। आपका नारा है सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ, ना साथ ले रहे हैं आप, ना विश्वास जीत रहे हैं, विकास कहाँ हो रहा है? हमारा विकास तो आपने एक जो है वो बंद करके रख दिया, पर आप इस हद के आगे नहीं जा सकते। मेरी तो इतनी समिशन है, सरकार जो इफ बट लगा रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है ये ब्यूरोक्रेट्स के कहने पर, जो अपने एडवाइजर जो है उनको कहने पर जो है इफ बट लगा रहे हैं, उनको विड्रा करें। अगर कोई कमी है उनको लगता है, हम लोगों के साथ बुला करके, क्योंकि अपने जो है लोगों को खड़ा करके वो कहे भाई हम जो है वो लोगों के नुमाइंदे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो नुमाइंदे हैं वो नुमाइंदे ही रहेंगे, उनको पूछ करके सरकार अगर बनाती है तो मैं समझता हूँ उसका एक अच्छा हल जो है वो निकल सकता है। अभी नोटिफिकेशन निकल रही है, जो गलतियां सरकार ने पहले की हैं या जो गलतियां सरकार से करवाई गई हैं उन पर जो है वो प्रतिबंध होना चाहिए, वो गलतियां रिपीट ना हो, यही मेरी दुआ है। रमेश जी, आपने इस मुहिम को शुरू किया था कि जब इस तरह के भेदभाव सामने आए थे, आपने सरकार के खिलाफ इस तरह का अभियान शुरू किया था। आपके अलावा और भी कई शख्सियत हैं, एडवोकेट पुनीत महाजन हैं, उन्होंने काफ़ी देर से कॉरेस्पॉन्डेंस इस चीज़ में कर रहे हैं, लेकिन अब क्या फिर से अप्रोच की जाएगी सरकार को कि ये जो आप कंडीशनें रख रहे हैं कि 20 कनाल और 40 कनाल आपको परमिशन के साथ बेची जाएगी, उसको भी रिपील करें? और क्या बाकी जो अदर यूटीज़ हैं देश में, क्योंकि अब केंद्र के अधीन है जम्मू कश्मीर, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसा ही है या यहाँ के खास तौर से इसी के लिए?
ये प्रतिबंध जो है बाकी किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है, किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं है, किसी रियासत के अंदर नहीं है, लेकिन हमारी रियासत के अंदर किसी की दुहाई देकर के कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। हमने अपनी एक कमेटी जो बनाई थी इस पर जो है उसकी मीटिंग कल बुलाई है, कल वो बताएंगे हमें क्या क्या प्रास एंड कान है इसके, कहाँ कहाँ कमी है, जो उनके फैसले होंगे उसके मुताबिक हम सरकार को फिर से पत्र लिखेंगे, जो कमियां हैं उनको उजागर करेंगे और सरकार से हम उम्मीद करेंगे खुले मन से वो विचार करते हुए इस पर जो है अपना दृष्टिकोण जो है सही दिशा में ले जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि धारा 370 जब हटाई गई उसके बाद कई तरह के कानूनों, काले कानूनों को हटाया गया, और उसके बीच में एक कानून ये भी आया जिसमें महाजन, खत्री और सिख बिरादरी जो है वो जमीन खरीद फरोख करने से उन्हें परहेज कर दिया गया। हालांकि जब ये मामला प्रकाश में आया तो रमेश चंद्र गुप्ता जी ने इस मामले को उठाया, उसके अलावा कई अन्य शख्सियतों ने इस मामले को उठाया कि आखिर उनके साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है, और आखिरकार अब कई सालों के अंतराल के बाद ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि इनको इनके जमीन खरीद फरोख के जो कानून है, हक हकूक है, वो इन्हें दिए जाए। लेकिन अभी भी बताया ये जा रहा है कि उन्हें कंडीशनली रखा गया है, यानी यदि आपको 20 कनाल की जमीन खरीदनी या बेचनी है तो आपको उसके लिए पहले बकायदा सिर्फ आप एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, यदि 40 कनाल तक आपने लेनी है तो वो बाग बगीचे के लिए ले सकते हैं, फिशरीज के लिए लेनी है तो 60 कनाल ले सकते हैं। तो इस तरह से बाइफ्रिकेट उसे किया गया और बकायदा आपको डिविजनल कमिश्नर से इसकी इजाजत लेनी होगी। अब इन बिरादरियों का ये कहना है कि यदि आप परमिशन दे रहे हैं तो आप ये इफ एंड बट्स क्यों लगा रहे हैं, जबकि पहला ऐसा कभी होता नहीं था। दुहाई ये दी जा रही थी कि पहले राजा महाराजों के समय में इन बिरादरियों को जमीन खरीदने से परहेज किया जाता था, और शायद इसीलिए भी अब इस कानून को, काले कानून को, इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर ये बात जरूर बता दें कि बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि इन बिरादरियों को राहत पहुंचा दी गई है, और अब इन बिरादरियों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुबारकबादें आ रही है। लेकिन अभी भी बता दें कि अभी भी इन बिरादरियों की जंग जो है वो आधी अधूरी है, जीती नहीं हुई नहीं है, क्योंकि इनका ये कहना है एक बार फिर सरकार को अप्रोच करेंगे और ये जो इफ़ एंड बट्स लगाए गए हैं इन इफ़ एंड बट्स को भी हटाया जाए, उसके बाद ये बिरादरियाँ मानेंगी कि इनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है 370 हटने के बाद वो भेदभाव जो वो वापस लिया जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं रमेश जी? बिल्कुल सही बात। तो फिलहाल आप जुड़ रही व्यू स्टूडियो में, उसके साथ इजाज़त दीजिए।